हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपनी एक फ्रेंड है, मतलब उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर प्रैंक करने वाला हूँ कि वो कितना प्यार करता है उसे। तो अभी मैं उसको कॉल करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। वैसे वो लड़की भी लाइन में रहेगी। तो कॉल रिसीव नहीं किया? नहीं किया? नहीं। मुझे लग ही रहा था कि वो जो मुझे सो जाता। ठीक है, फिर से कर ले वो दोबारा। हाँ, देखते हैं। अच्छा, हेलो हेलो हेलो, क्या? मैं प्रदीप बात कर रहा हूँ। प्रदीप जी कहाँ से? वो ना, मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे पेंटालून्स के बगल में। बोलिए। कौन सा मॉल था यार? वेस्टर्न मॉल में मैं जॉब करता हूँ। बोलिए। तो वो ना, मतलब खुशी से नंबर मांगे थे, तो खुशी वो आपका नंबर दी थी। कौन खुशी? आप नहीं जानते हो क्या खुशी को? नहीं तो आपका नाम प्रदीप? हाँ, मेरा नाम प्रदीप। अपना जी सही है? हाँ जी। घर कराची में ही पड़ता है? हाँ। किधर में? साक्षी दी थी नंबर हमको, साक्षी। हाँ, कुछ काम था? बोलिए। वो ना, मतलब आपसे कुछ बात करना था। बोलिए। वो बोल रहे थे कि वो साक्षी से बात करना था मुझे। हाँ? साक्षी से बात करना था आपको? हाँ। तो कुछ चक्कर था? नहीं, चक्कर नहीं था, मतलब बगल में ही काम करते, वो अच्छी लगती है मुझे। तो आप हमसे बोल रहे हैं? नहीं नहीं हम उसका ही नंबर मांगे थे, पर वो आपका नंबर दी थी ना, इसलिए। उसका मसलन बोल रहा है? अच्छा, पर उसका तो शादी हुआ नहीं है। उसके बारे में तो पता किए हैं, पर उसका शादी तो हुआ नहीं है। नहीं हुआ, बट हो जाएगा। हो जाएगा वो तो बाद में, मेरे से भी हो जाएगा, ऐसा क्या प्रॉब्लम है? आप जॉब करते हैं ना? हाँ जी। वेस्टर्न में? आप क्या करते हो वैसे? हम आईओटी का प्रिपरेशन करते हैं कोटा से। किस चीज का? आईओटी का। तो वो आपका नंबर दी थी, तो मुझे लगा कि मैं आपसे थोड़ा पूछ लेता हूँ। उसके पास तो सारे नंबर आते रहता है। सॉरी, वो तो थोड़ा लगा था आपका नंबर दी थी कि वो भी उससे बात करना, उसको भी समझाएं। आप लोग ब्रेकअप कर लो यार। हाँ? आप लोग ब्रेकअप कर लो। ऐसा थोड़ी है, कुछ जोर जोर थोड़ी हम लोग ब्रेकअप करते हैं। उससे बात कर, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर मैं उससे बात करूँ या फिर आप भी उससे बात करो, तो ये अच्छा नहीं होगा ना। फिर आपको भी प्रॉब्लम होगा, मुझे भी होगा। तो भाई, हम लोग 4 साल से हैं। 4 साल से हैं, पर अगर मैं उसको बोलूं तो वो मेरे से बात करने के लिए एग्री है। ऐसा नहीं है कि मैं जबरदस्ती कर रहा हूं, आप उसको छोड़ दो, नहीं तो फिर रेडी है? हाँ, वो रेडी है। हाँ, रेडी है। तो
हम ले लाइन से इसको, अगर वो एग्री हो गया तो कुछ नहीं बोलेंगे पक्का। अब आपके सामने क्या बोलेगी कि हम इससे बात करेंगे, ऐसे तो नहीं बोलेगी। मैं सामने बोला चाहते तो अकेले में से जोर जबरदस्ती करके कर सकता था, मेरे सामने बोला। नहीं नहीं, जोर जबरदस्ती करने का बात नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि आप उसको छोड़ दो, मैं उसको लाइक करता हूँ और उससे ऐसा थोड़ी हो गया, मतलब उसको बहुत पैसा है, मेरे भी दो तीन बार ऐसे फोन आया कि हम आप छोड़ दो भैया, मजाक थोड़ी पैसे से छोड़ने हम। अरे मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड आती हमेशा तुम पास फोन करते बोलते हाँ भाई तुम छोड़ दो हमको ठीक करना, तुम मान जाते हैं? नहीं मानने का मतलब हम मेरे जगह तुम रहते हैं, हम तुमसे बोलते हैं हम साथी को पसंद करते हैं, तुम ब्रेकअप करो, तुम क्या करते हैं बताओ अभी? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ उसको छोड़ दो आप, तो बहुत बुरा होगा फिर। यही बात अगर हम तुमसे बोलते हैं, तुम साक्षी के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, हम तुमसे बात बोलते हैं। हाँ तो लड़की को अगर लड़का पसंद है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो छोड़ देता ऐसे भी। तो वही तो हम बोल रहे हैं, अगर मेरे सामने बोल देते हैं इसको हम पसंद करते हैं, इससे हम बात करना चाहते हैं, हम छोड़ देंगे पक्का। नहीं नहीं, वो आपके सामने नहीं ना बोलेगी कि हम, मेरे सामने बोला है हमको। नहीं नहीं, वो आप उसको छोड़ दो, मैं उससे बात करूंगा, वो मुझे अच्छी लगती है और मैं उसके साथ थोड़ी है छोड़ दे। क्यों नहीं छोड़? मेरे सामने बोल देगी ना तो हम पक्का छोड़ देंगे। मैं बोल रहा हूँ कि आप उसको छोड़ दो ठीक है, तो फिर बहुत बुरा होगा। अरे पता नहीं तुम किससे बात कर रहे हो, क्या बुरा होगा? तुम रांची में रह के जॉब करते हो, रांची में दो दो को फ्लैट चलता है, तुमको पता है? फ्लैट मतलब क्या पैसा? ऐसा थोड़ी है कि पैसा है तुम्हारे पास तो तुम कुछ भी कर लोगे यार। तुम रांची में रहते हो, मैं रांची में घर है। नहीं मेरा रांची, हम मेरा भी घर है। कहाँ रांची में घर है बताओ तो? मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं साक्षी को बोल रहा हूँ, मैं आपको कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं मतलब साक्षी मुझे बोली कि हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका नंबर दी थी तो मैंने सोचा आपको बता दूँ एक बार, आपको कॉल करके कि मैं साक्षी से बात करने वाला हूँ या फिर ऐसा कुछ हो कि बाद में अगर आपको भी पता चले तो बुरा ना लगे, समझे? हाँ तो बोली ना, अगर तुम मेरे सामने बोल दी ना कि हाँ इसे तो बात है तो अभी छोड़ देंगे। आप उससे पूछ लेना, अभी तो वो कॉल रिसीव नहीं करेगी शायद, मेरे हिसाब से हमको लगता है जाता, अभी कॉल मत करो उसको। मेरा कॉल रिसीव नहीं करेगी सब नहीं सकता तो अभी उसको लाइन में मत लो आप। अभी मैं बोल रहा हूँ आप तुम भी करो फोन और तुम ही उसको बोलो नहीं हम उसको कॉल नहीं करेंगे, उससे हम नंबर मांगे थे उसका ही, पर वो नंबर आपका दी थी कि आप एक बार उससे बात कर लो पहले ऐसे। नहीं तो डायरेक्ट मना कर सकती थी ना कि नहीं हम बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है ऐसा कुछ, सो ये भी तो बोल सकती थी। आप तो ये भी समझ सकते ना कि भाई अपना आती के नंबर का है, वो जो उसको बात बाकी का नाम से एक बार बात कर सकती थी। नहीं नहीं, वो बोली कि एक बार उसको आप बता दो कि हाँ ठीक है हम लोग बात करने वाले हैं उससे। हर बार मेरे से ही पूछवाती है। नहीं नहीं, मतलब वो आप एक बार मेरा बात तो पहले सुन लो यार। मैं बोल रहा हूँ कि पहले वो हमको बोली ठीक है, पहले मेरा बात ध्यान से सुनो आप। वो हमको बोली कि देखो हम तुमसे बात करेंगे, मेरा मतलब हम मतलब रिलेशन में है वैसे, उससे मतलब है कुछ दिन से रिलेशन में, तो एक बार उसका नंबर दे रहे हैं, आप उसको कॉल करो, उसको बता दो कि मतलब हम साक्षी से बात करने वाले हैं, आप साक्षी का साथ छोड़ दो, ऐसे कुछ बोल के बोली हमको बोलने, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मतलब जैसे आगे चल के अगर आपको पता चले कि मैं उससे बात करता हूँ तो आपको प्रॉब्लम होगा ना भैया आपको, तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मैं मतलब अभी बात करूँ और फिर आपको आगे चल के पता चले कि मैं बात करता हूँ तो दिक्कत हो आपको, सो इसलिए मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ कि आप उससे बात करना बंद कर दो, क्योंकि मैं उसके साथ अब रिलेशन में आ गया हूँ और उससे आगे चल के मुझे मतलब पता नहीं क्या जो भी है वो तो पता चल ही जाएगा अगर आप जो भी ज्यादा जल्दी बाजी नहीं, मैं तो साक्षी बोली कि आप उसको बता दीजिए हाँ बोली है हमको, साक्षी ऐसा बोली हाँ नहीं बोली होगी तो बोली है, कुछ प्रूफ दीजिए। प्रूफ क्या दें? रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास, तो कुछ तो होगा तो दीजिए। चार साल का रिलेशनशिप में मेरा पूरा खानदान उसको जानता है और उसका फैमिली भी जानता है। अच्छा, और हम उस लड़की के चलते पता है छोटा तक है हम अभी, लेकिन फिर भी उसके साथ अक्सर मिलने जाते हैं, उसे इतना ज्यादा गाढ़ा रिलेशनशिप अगर वो बोल दी ना हमको अभी। अच्छा, कि हाँ उसको हम तुमको यार लाइक करते हैं ऐसी करते हैं तो अभी हम छोड़ देंगे पक्का। काफी प्यार करते हो वैसे आप लगता है। एक सेकंड रुको मैं कॉल करता हूँ आपको थोड़ा देर में। नहीं
कंफर्म नहीं, तुरंत कॉल कर रहे, तुरंत कॉल कर रहे, थोड़ा काम है। फाइनल कर लो फिर। हाँ फाइनल, फाइनल ही कर ले रहे, दो मिनट में कॉल कर रहे बस तुरंत। हेलो हेलो, अरे कॉल कट कर दिया उसका। हेलो हाँ हेलो, सुनो ना। अरे सुन गए क्यों? सुनो ना। हाँ। हम बोल रहे हैं उसको कॉल करते हैं और उसको बोलते हैं हम कि प्रैंक कर रहे हैं। बोल देना ना कि साक्षी ही तुम्हारा, उसका नंबर मांगे थे तो वो तुम्हारा नंबर दी थी, बट वो डायरेक्ट बोल ही थी कि हम रिलेशनशिप पर नहीं आएंगे क्योंकि मेरा ऑर्डर रिसीव करती हूं उससे जबरदस्ती के, तो वो तुम्हारा नंबर दी। अच्छा ठीक है ठीक है, रुको हम कॉल करते हैं उसका, उसका कॉल रिसीव मत करो अभी तुम। ठीक है हेलो भैया, सॉरी वैसा कुछ है नहीं, मैंने आपको डिस्टर्ब करा है ऐसा कुछ, जो भी है आप भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा प्यार करती है आपको, आप लोग दोनों के बीच में हम आके ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम हो, सो समझे, बात वैसा नहीं है एक्चुअली। पता है अभी हम क्या कर रहे थे सो? क्या मतलब, बस हम ऐसे देखना चाह रहे थे कि आप लोग दोनों के प्रति, मतलब सिर्फ साक्षी प्यार करती है आपसे या फिर आप भी उससे प्यार करते हो, तो आप लोग दोनों के बीच काफी ज्यादा प्यार है, भगवान करे आप लोग का जोड़ी बहुत आगे जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ना अभी आपके साथ बस प्रैंक कर रहा था एक छोटा सा। तो ये कैमरा अभी ऑन है हमारे सामने। लाइफ में सब कुछ मजाक कर सकते हैं लेकिन उसके प्रति जो मजाक करते हैं ना उसे तुम पसंद है, उसका क्या हुआ है? नहीं नहीं वो ठीक है, पर हम एज ए प्रैंक शूट कर रहे हैं बस, ऐसा नहीं है कि बस उसके लाइफ में हम जाके इंटरफेयर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भैया, वैसा मत समझिएगा कि मैं वैसे, मतलब ऐसा कुछ है सो। तो एक बार आप मेरे ऑडियंस को बोलिए कि प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें सो। कहाँ अपलोड करना है? यूट्यूब पे। चैनल? चैनल का नाम बता देंगे एक बार, आप ऑडियंस को तो बोल दो कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे सो। ठीक है भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब करा, ऐसा कुछ है नहीं भैया, आई एम रियली सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, तो लगा होगा क्योंकि हम बस ऐसे छोटा सा बस मजाक कर रहे थे आपके साथ, और ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हम उसके लाइव में जाके ऐसा नहीं है कि आप लोग को इंटरफेयर करे, ऐसा कुछ नहीं है भैया, बस एज ए प्रैंक हम कर रहे थे आपके साथ, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैंने आपके बीच में आके ऐसा कुछ करा। ठीक है भैया सॉरी, आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है भैया।